मैं सेठ सिद्दीक, आप देख रहे हैं टेक मास्टर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि हमने यूट्यूब पे वीडियो किस तरह एडिटिंग करके अपलोड करनी है, और एडिटिंग एप्लीकेशन हम कौन से यूज़ करते हैं, और वो फ़ोन में कौन सी एप्लीकेशन है, काइन मास्टर है, और काइन मास्टर से हम वीडियो को किस तरह एडिटिंग कर सकते हैं, और वो अपने यूट्यूब पर किस तरह वीडियो को कट कैसे करते हैं, वीडियो को रिमूव कैसे करते हैं, वीडियो को वॉइस कैसे रिमूव करते हैं, वीडियो में चेंजेस वगैरह या इफेक्ट वगैरह किस तरह लगा सकते हैं। तो चलते हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे और मोबाइल फ़ोन से आपको वीडियो एडिटिंग करके दिखाते हैं और आपको सिखाते हैं किस तरह मोबाइल। तो आज हम बात करेंगे कि वीडियो को एडिटिंग किस तरह करते हैं, ठीक है। वीडियो एडिटिंग मुकम्मल आपको तरीकाकार बताएंगे किस तरह आपने वीडियो एडिटिंग करनी है। तो आपने जाना है, इधर से सिलेक्ट कर लेनी है वीडियो, ये वीडियो का साइज सिलेक्ट होगा यूट्यूब के लिए। तो उसके बाद ये ऊपर ऑप्शन दे रहे हैं मीडिया का, इधर से जाना है आपने। आपने जो भी एक फाइल है उसको आपने ले आना है, ये आप ले आए, वीडियो आ गई, ठीक है। तो इसको आप देखें, आप कैसे कट कैसे करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप इसके ऊपर कर लिया, ये येलो साइज हो गया, ये ऊपर आ रहा ऑप्शन आ रहा है कट का, इधर से यानी कि ये ऑप्शन दे रहा है फ्रंट पे, दो ऑप्शन दे रहा है कि आप वीडियो के जिस तरफ आप वो कैंच ट्रैप बनी हुई है उस तरफ से आप रिमूव कट कर सकते हैं, दूसरे नंबर नीचे दूसरी तरफ से कर सकते हैं, यानी कि एक लेफ़्ट है और एक राइट साइड से। उसके बाद तीसरे नंबर पे ऑप्शन दे रहा है कि आप इसको सेंटर से, यानी कि एक वीडियो है उसको आपको दो हिस्सों में करना है तो वो दो कर सकते हैं। उसके बाद आप इसका वॉइस है, यानी कि इस वीडियो की वॉइस जो है साइड पे कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन है, ठीक है। तो आप इसके अंदर पिक लगाना चाहते हैं कोई, ठीक है, तो तीसरे नंबर पे ऑप्शन वो लास्ट पे ऑप्शन वो दे रहा है, ये हो गया। उसके बाद ये लायर, इसका क्या मतलब, फर्स्ट पे ऑप्शन आ रहा है ऊपर मीडिया का कि आप इसकी वीडियो के ऊपर कोई मीडिया लगा सकते हैं, यानी कि कोई पिक लगा सकते हैं, कोई छोटा क्लिप, वीडियो का क्लिप लगाना है या कोई फ़ोटो लगानी है वो लगा सकते हैं। अफेक्ट, अफेक्ट में क्या है, अफेक्ट में आप कोई भी आपके वीडियो का कलर चेंज कर सकते हैं या कोई भी इस तरह कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ओवरिंग, यानी कि आप स्टिकर वगैरह लगा सकते हैं, ये देखें कोई भी आप उसके ऊपर स्टिकर वगैरह लगा सकते हैं। उसके बाद जी टैक्स है, आप कोई भी चीज़ लिख के इसके ऊपर कर सकते हैं। उसके बाद नीचे वो आ जाता है, आप उसके निशान वगैरह लगाने हैं या कुछ भी इस तरह करना है, तो वो भी ऑप्शन आ गया ऊपर, ये आ गया। उसके बाद ये लायर का भी समझ आ गया, मीडिया अगर आप कोई और फाइल इंपोर्ट करना चाहते हैं इसके अंदर वो भी आ गया। उसके बाद ऑप्शन आ जाता है वॉइस का, आप इसके ऊपर यानी कि म्यूज़िक की कोई भी एड व्लॉग वगैरह बनाना चाहते हैं तो आप वीडियो को उसकी ओरिजिनल वॉइस जो है उसको रिमूव करके कोई और वीडियो वगैरह वॉइस वगैरह लगाना चाहते हैं वो आ जाता है। इधर लास्ट पर नीचे ऑप्शन है आ सकते हैं, ठीक है, ये सारे ऑप्शन हैं। उसके बाद जब ये सारा आप कर लेंगे उसके बाद जाएंगे आप इधर, वीडियो जब एडिटिंग हो जाएगी आपकी सारी मुकम्मल, ये ऑप्शन है इधर शेयर का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपने फुल एचडी में करनी है, एचडी करनी है, किस में आप कैटेगरी में करनी है, वो आप इधर से करेंगे। करने के बाद आप इसको इम्पोर्ट करेंगे, इम्पोर्ट के ओपन करेंगे ये आपकी गैलरी में आ जाएगा, उधर से आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था मुकम्मल आपको सेटिंग बता दी शॉर्ट शॉर्टली कि आप काइन मास्टर से अपनी वीडियो किस तरह एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, इस तरह की मोर वीडियो देखने के लिए कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन भी दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।